आज यानी 6 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है OTT प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी ड्रामा फिल्म मजामा, जहां स्टार कर रहे हैं माधुरी दीक्षित एंड गजराज राव एज वाइफ हस्बैंड। उनके बच्चों के कैरेक्टर्स में है ऋत्विक भौमिक एंड सृष्टि श्रीवास्तव। अब ऋत्विक खुद बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से, लेकिन प्यार कर बैठे हैं एक हायर क्लास NRI फैमिली की लड़की से, जो की है बरखा सिंह। बरखा के पेरेंट्स के कैरेक्टर्स में है रजत कपूर एंड शीबा चड्डा। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में, जिसे लिखा है सुमित भतेजा एंड अनंत तिवारी ने, जो कि है कुछ हद तक सिमिलर विद एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जहां मेन लीड कैरेक्टर में थी सोनम कपूर। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? दरअसल सोनम ने भी वही कैरेक्टर प्ले किया था जो कर रही है अब माधुरी, यानी एक लेस्बियन होने का। वेल यस, ट्रेलर से ये तो पता चल ही चुका था कि माधुरी दबाए बैठी है कोई राज, तो वो राज है ये कि वो होंगी एक लेस्बियन, जो कि पता चल जाएगा आपको मूवी के 1/4 पार्ट में ही। अब माधुरी जो एक मदर है, इतने सालों से गजराज के साथ एक मैरिज में है, उनका इतना बड़ा राज सामने आना सबके लिए बन जाता है काफी शॉकिंग। और मूवी की स्टोरी भी हमें उसी तरफ लेकर जाएगी कि कैसे माधुरी की फैमिली एक्सेप्ट करती है उन्हें, या फिर करती भी है या नहीं। क्या माधुरी का ये राज तोड़ने वाला है उनके बेटे ऋत्विक की एंगेजमेंट विद बरखा? जहां ये सारे प्लॉट्स एंड ट्विस्ट के आंसर मिलेंगे आपको मूवी देखकर ही, तो वहीं हम आपको इतना जरूर बता देते हैं कि अनंत तिवारी ने ही मूवी को लिखने के साथ ही डायरेक्ट भी किया है, जिनकी डायरेक्शन आपको ओके नजर आने वाली है। लेकिन वहीं माधुरी की एक्टिंग एंड उनका डांस है काफी कमाल का। अगर बरखा अपने अमेरिकन एक्सेंट में कुछ हद तक स्क्रीन पर लग रही है टॉलरेबल, तो वहीं रजत का एक्सेंट लग रहा है टोटली फेक। आप मजामा को जरूर देख सकते हैं, बट ओनली एज अ वन टाइम वॉच मूवी, और स्टोरी लाइन भी कुछ ज्यादा नहीं है इंटरेस्टिंग, इसलिए हम मजामा को रेट करेंगे 3 stars out of 5। एंड टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज एंड रिव्यूज, स्टे ट्यून्ड टू बूगा बॉलीवुड।